आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आज परियोजना स्तर मीटिंग रखा गया। बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर संभाग के हड़ताल सुचारू रूप से चल रहे हैं, शासन यदि हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसके लिए आज बैठक रखा गया। आज कार्यकर्ताओं ने नेताजी स्टेडियम पर उपस्थित हुए और कहा कि हमारे बहुत सारे समस्या है, सबसे बड़ी समस्या इस परियोजना में है सोलर सेक्टर, जिसमें सुपरवाइजर की कमी है, जो कि हमें 100 सुपरवाइजर दिया जाए और हमारे परियोजना अधिकारी भी नहीं है, जो कि फुलफिल अधिकारी हमें चाहिए। इसमें सबसे मुख्य मांग है कि 1 अप्रैल 2017 से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चालू हुआ, जिसके तहत हम कार्यकर्ता लोगों को 200 रुपये मिलना था, जो इतने सालों से हमें नहीं मिला। उसको देने की बात भी कही गई, अब तक हमें उसका लाभ नहीं मिला। हम लोग उसमें बहुत सारे काम किए और लगन के साथ काम किए, पर हमें कोई लाभ नहीं मिला, जिसके लिखे शिकायत हम लोग द्वारा परियोजना अधिकारी और तहसीलदार को भी किया गया। हम लोग वहां से कोई जवाब नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें समूह के महिला और कार्यकर्ता भी शामिल है, इंद्रप्रस्थ के कार्यकर्ता भी शामिल है, जिससे कार्यकर्ता द्वारा कहा गया कि हम लोग 100 तो नहीं बोल सकते, पर बातों से लगता है कि सुपरवाइजर भी इस पैसे के लेन देन के मामले में शामिल है। 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू हुआ है, जिसके तहत हम लोग कार्यकर्ता लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपये मिलना था, जो इतने साल से हमें नहीं मिला है, उसे देने की मतलब कष्ट करें। तो आप इसके लिए आगे की क्या रणनीति है, इसके आगे? इसके आगे की रणनीति है, जैसे अभी हमारा वर्तमान में संभागीय हड़ताल चालू है, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, और 5ों में हम बारी बारी से हमारा एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। यदि अभी शासन हमारे मांग को नहीं पूरा करेगी तो आगे हम अनिश्चितकालीन में जाएंगे, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी शासन को होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का केंद्र से 4,500 और राज्य से मात्र 2,000 मिलती है, और अभी हमारा संयुक्त मंच बन चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में, और इसमें हमारा मांग है कि हमें 26,000 वेतन दे, और मानदेय नहीं, हमें वेतन चाहिए। अब हम वेतन के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो सुपरवाइजर है उनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उनका व्यवहार कैसा है? एक्चुअली में सुपरवाइजर जितने हैं, एक तो कम है सुपरवाइजर, और उसी में एक एक सुपरवाइजर को 2-3 सेक्टर दिया जा रहा है, तो उनका बिहेवियर में तो होगा ही, और खराब स्थिति है, स्थिति अच्छा नहीं है।